नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों के बाद अब राज्यसभा के चुनावों ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। हालांकि इस चुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। इस बार भाजपा अपने सहयोगी दलों को राज्यसभा भेजने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सभी सीटों पर बीजेपी अपने ही नेताओं को भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव चाहे कोई सा भी हो, उसका शोर केंद्र से लेकर राज्य तक हर तरफ सुनाई देता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है, जिसको लेकर कई पार्टियों में दल बदल का खेल चल रहा है। तो कोई पार्टी बस अपने ही प्रत्याशियों पर दाव लगा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी ने इन सीटों के लिए 21 नामों को तय किया है, जिन पर आखिरी मुहर लगाने के लिए नामों की लिस्ट को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया गया है। लेकिन इन सभी चयनित नामों में भाजपा के सहयोगी दलों को शुमार नहीं किया गया है, क्योंकि सभी सीटों पर भाजपा ने अपने ही नेताओं को भेजने का फैसला लिया है। दरअसल बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा के लिए एक सीट की मांग भी की थी, जिसके बावजूद सूत्रों की माने तो केंद्र को भेजे गए 21 नामों में सहयोगी दलों के किसी नेता का नाम नहीं है। यूपी में 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें से बीजेपी के 5, सपा के 3, बसपा के 1 और कांग्रेस का 1 सांसद है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीती हैं, जबकि सपा गठबंधन के पास 125 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2, बसपा के पास 1 और राजा भैया के पास 2 विधायक हैं। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट जरूरी हैं, जिसमें बीजेपी का 11 में से 7 पर जीतना तय माना जा रहा है। अब अगर विधायकों की छटनी होगी तो पार्टियों के विधायकों में बगावती सुर भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में क्रॉस वोटिंग और सेंधमारी के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो इस बार भी सभी सीटों पर बीजेपी के नेताओं को भेजने की तैयारी है और कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।